ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जब जनता ने एक राज को कायम किया है 10 महीने पहले, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, अच्छा काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो अपनी साख जमाने के लिए, अपने दल के अंदर अपनी साख जमाने के लिए इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता जिस उम्मीदों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, उन सभी उम्मीदों को हम लोग पूरा कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, हर जगह जितना संभव है उससे ज़्यादा विकास हम लोग करा के दिखा रहे हैं। सर, उपचुनाव में कांग्रेस के भी नेता प्रचारक जाना शुरू नहीं हुए अभी, केवल सब जा रहे हैं। हमारे कैंडिडेट दोनों विधानसभा चुनावों में अच्छी शानदार जीत होगी और हमें लगता है कल ही या परसों खीमसर में काफ़ी लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और लगातार हमारी कोशिश है कि ये चुनाव जनता जो सरकार के अच्छे काम हैं उस पर आधारित करें, ना कि भावनाओं में बहकर या ऐसे मुद्दों का जिनको दिल्ली के बड़े बड़े नेता के भाषण देके जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के चुनाव हैं, सरकार के कामकाज को लोग परख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सीटों पे अच्छे बहुमत के साथ हम जीतेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने बोला था कि गांवों को वोट दे सांसद, आपने लेटर भी लिखा, लेकिन इस बार बीजेपी के सांसद ले नहीं रहे क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। मैंने तो अपनी चिट्ठी लिखकर ये बात स्पष्ट करी है कि हमारे लोग, हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। स्कीम किसी की भी हो, योजना किसी के कार्यकाल की हो, अगर जनहित की है उसको हमें करना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से आवेदन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सभी सांसद अपने अपने गांवों को चुनकर गोद लें ताकि उन गांवों के अंदर जो केंद्रित विकास है उसको हम करा सकें। लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि जब हम लोग शासन में आते हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। और जिस तरह पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने कांग्रेस की तमाम स्कीम्स को बंद कर दिया था, हम लोग बिल्कुल उसके विपरीत सब स्कीम्स को चला रहे हैं, बल्कि उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सलमान दोनों ने कहा कि आत्मचिंतन करना चाहिए लोकसभा चुनाव के। बाकी किसी नेता ने क्या बोला है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, आज मास्टर मोहनलाल जी ने एक कहा है कि उनकी वजह से SC को आते हैं, मुख्यमंत्री कहेंगे तो मंडावा जिता दूंगा, मुख्यमंत्री कहेंगे तो हरवा दूंगा, ये उनका बयान है। ऐसा कोई बयान नहीं दिया होगा मेरे को लगता है उन्होंने। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।